बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज जो है 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि इससे और इससे जो इन दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों से एक ही जवाब आएगा, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसमें दो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में इक्वल का निशान है, और यहाँ पर जो है ना राइट वाला पार्ट है। तो हम राइट को, लेफ्ट को भी सॉल्व करेंगे, राइट को भी सॉल्व करेंगे, और इससे आंसर एक ही आएगा। ठीक, तो चलिए इसको इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम मैं लेफ़्ट वाला साइड लेता हूँ, लेफ़्ट वाला पहले, जो लेफ़्ट हैंड साइड इस तरह मैंने लिख दिया, तो लेफ़्ट हैंड साइड मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2/5 क्रॉस 1/7। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह है, 2 और 1 हम मल्टीप्लाई करते, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2 और नीचे क्या है 5 7 ज़ार 35। सो इससे क्या आ गया 2/35। ये लेफ़्ट हैंड साइन था हमारा। अब आते हैं यहाँ पे एक लाइन खींचते बीच में और यहाँ पे लिख दिया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 1/7 पहले, 2/5 बाद में, 1/7 क्रॉस 2/5। तब किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, 2 1 ज़ार 2 और 5 7 ज़ार 35 इस तरह आ गया। तो इससे भी 2/35 आ गया, इससे भी 2/35 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर आ गया। हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये चीज़ हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, जब लेफ्ट राइट के बराबर आ गया तो ये वेरीफाई हो गया, ये राइट लेफ्ट था और ये राइट था। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट बी पे। तो पार्ट बी को स्टार्ट करें, पहले लेफ्ट साइड लेंगे फिर राइट साइड लेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिए, अच्छा ये साइड ले ले, 23/34 क्रॉस 32/-35। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम जब देखें इस जो है ना, इन नंबर्स को क्रॉस में देखें, यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 23 है, 35 है। इन नंबर्स को जब हम क्रॉस में देखें, इनको और इसको, तो ये 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी 2 पर डिवाइड करें और इसको भी 2 पर डिवाइड करें। ठीक है, जब हम 34 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाए, 2 1 ज़ार 2 और 1 इस यहाँ पर आ गया, 2 7 ज़ार 14। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। 34 को 2 पे डिवाइड करें, 17 आ रहा है। अब 32 को भी 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पे आ गया, 12 बन गए, 2 6 ज़ार 12, तो 16 आ गया। ठीक, ऊपर 16 आ गया, नीचे 17 आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 23 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें और 17 को -35 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अच्छा 23 35 एक ही टेबल में नहीं आते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर के साथ अब और नीचे वाला नीचे के साथ, 23 को 16 के साथ, 23 मल्टीप्लाइड बाई 16 और नीचे 17 और -35 हमने मल्टीप्लाई करना है, 17 मल्टीप्लाइड बाई -35। इसे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमने 23 और 16 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 23 और 16 को, इसको मैं ज़रा ऑन कर देता हूँ, 23 मल्टीप्लाइड बाई 16 हमारे पास आ रहे 368, 23 और 16 368 आ रहा है। ठीक है, 368। अब नीचे हमने 17 और 35 को मल्टीप्लाई करना है, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 35 दैट इज़ 595। ठीक है, 595
5.595 ये आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आता है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह आ गया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, और ये इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब चलिए राइट हैंड साइड पे बीच में एक लाइन खींच देते हैं और फिर राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ठीक है। लाइन मैंने इस तरह बीच में खींच दिया और फिर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, उससे भी वही आंसर आएगा। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड पे ये है ना 32/-35 और मल्टीप्लाइड बाय 23/34। राइट हैंड साइड पे ये है, तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह आपने ये वाला किया था उस तरह ये भी करें, ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमने क्या किया था, 17/34 कट गया था, 17 आ गया था ना, तो इसको भी इस तरह कर देते हैं, ठीक है। ये हूबहू सेम है, अगर इसको सही तरह से कर लिया तो ये भी इसी तरह है, ठीक है। तो इसको 2 पर डिवाइड करें, 17 आ गया, इसको 2 पर डिवाइड करें, 16 आ गया, बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पर भी 17 और 16 है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 16 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16/23, नीचे क्या करेंगे, -35 और 17 को मल्टीप्लाई करें, -35 और 17 को मल्टीप्लाई करें। तो जब हम ये वाला ये से इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 368 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 16 और 23 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 16 और 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑर्डर चेंज है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, 368 आएगा। और नीचे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, ठीक है, 595। लेकिन यहाँ माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाता है। तो इससे देख, इसको देख, इससे भी ये आंसर आ गया, इससे भी ये आंसर आ गया। तो हम कहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड। ये आंसर हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड, हमारे पास वेरीफाई हो गया, ठीक है, लेफ्ट राइट के बराबर आ गए। अब पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में हमें ये क्वेश्चन दिए गए, इस ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दोनों को हमने सॉल्व करना है, हल करना है। ओके, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, चलिए इसे ग्रीन से कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है ना, -11/13 क्रॉस 13/-15, ये वाला लेफ्ट है, तो इसको लेफ्ट पहले कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस में देखते हैं, क्रॉस में 13 और 13 एक दूसरे पर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर क्रॉस में देखें तो 11 और 15 कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 11 और 15 को डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये 13 और 13, 13 ones are 13, 13 ones are 13, ठीक है। इससे भी वन आ गया, इससे भी वन आ गया, 13 के साथ कैंसिल हुआ तो वन आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में ये -11 वन के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 11 ones are 11, और ये 1 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 1 15 are 15। यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है 15 के साथ, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, से क्या आएगा आंसर में, ये माइनस इससे माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, आंसर में पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, हमारा आंसर आ गया 11/15। अब हम इस दूसरे साइड को लेते हैं जो कि राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ गया 11/15, बीच में एक लाइन खींच दें और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड इसको सॉल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास 13/-15 ये है, ये वाला राइट हैंड साइड है, ये
थर्टीन बाय नेगेटिव फिफ्टीन क्रॉस नेगेटिव एलेवन बाय थर्टीन। सो यहाँ भी वही मामला करें जिस तरह यहाँ पर मैंने किया था, ठीक है। थर्टीन थर्टीन वन ज़ार थर्टीन, थर्टीन वन ज़ार थर्टीन, ये थर्टीन पर डिवाइड किए तो वन वन आ गया, ठीक है। अब वन और इलेवन को मल्टीप्लाई करें तो इलेवन आ गया, फिफ्टीन और इस वन को मल्टीप्लाई करें तो फिफ्टीन आ गया। यहाँ पर भी इलेवन के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस। अब क्या है, ये माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो ख़त्म हो गए, तो इलेवन बाई फिफ्टीन आ गया इससे। तो यहाँ पर भी इलेवन बाई फिफ्टीन आंसर है, यहाँ पर भी इलेवन बाई फिफ्टीन हमारा आंसर है। तो दोनों से आंसर सेम आ गया, एक जैसा ही आ गया, इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हमारे पास ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हमारे पास ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है पार्ट डी, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना ये लेंगे, क्या है, अच्छा तो ये लेफ्ट पे ले लेंगे फिर राइट लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया। यहाँ पर इसको सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव वन ओवर टेन, नेगेटिव वन ओवर टेन क्रॉस टू बाई सेवन, सॉरी सॉरी इस तरह नहीं, ये टू बाय, इसको मिटा देते, ये गलत हो गया, नीचे कर लेते, नेगेटिव वन ओवर टेन क्रॉस टू बाय सेवन, ठीक है, इस तरह आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो टू वन ज़ार टू, टू आ गया, इस तरह नहीं करते, ठीक है, इसमें कुछ कैंसलेशन होता है, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ यहाँ से, इसको ज़रा मिटा देते, इसको इस साइड में कर देते कि अच्छा दिखे, ठीक है। अच्छा तो पहले इस साइड को ले लेते हैं, नेगेटिव वन ओवर टेन, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह, नेगेटिव वन ओवर टेन, नेगेटिव वन ओवर टेन क्रॉस टू बाई सेवन, टू बाई सेवन इस तरह है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर क्रॉस में देखे तो ये टू पर दोनों डिवाइड हो सकते हैं, टू वन ज़ार टू, टू फाइव ज़ार टेन, ठीक है, इस तरह हो गए। अब हमने क्या करना है, वन और नेगेटिव वन, ये नेगेटिव वन है, ये वन है, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करना, नेगेटिव वन मल्टीप्लाइड बाई वन, नीचे क्या करना है, फाइव और सेवन को मल्टीप्लाई करना है, फाइव क्रॉस सेवन, ठीक है। तो वन वन ज़ार वन, इससे वन आ गया, फाइव फाइव सेवन ज़ार थर्टी फाइव, इससे थर्टी फाइव आ गया, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो रेड जो कि राइट हैंड साइड है, ठीक है, यहाँ पे लिख ले राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये गिवन है, ये वाला टू बाई सेवन पहले है, नेगेटिव वन ओवर टेन बाद में, टू बाई सेवन, सॉरी टू बाई सेवन क्रॉस नेगेटिव वन ओवर टेन। अब ये दोनों क्रॉस में देखें तो टू पर डिवाइड होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया, तो टू वन ज़ार टू, टू फाइव ज़ार टेन, ठीक है। और ये वन और वन मल्टीप्लाई करें तो वन आ गया, सेवन और फाइव मल्टीप्लाई करें तो थर्टी फाइव आ गया। तो इससे नेगेटिव वन और थर्टी फाइव यहाँ से भी आ गया था, यहाँ इससे भी आ गया, ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, और ये आंसर हमारे पास बराबर है, ये वेरीफाइड हो गए, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हमारे पास वेरीफाई हो गए, ठीक है।